brother. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي أرضى الأفلاك والأرضين من كان نبيه وآدم من الله الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم وأجل محترم صاحبين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله इस कायनात में मबूस फरमाया 12 रबी अव्वल एक हदीस सुबह सादिक की वो सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जैसे जैसे विलादत बसआदत करीब आने लगी तो मैं बहुत ज़्यादा फरहत बख्श ख्वाब देखती थी। विलादत तैयबा से पहले हज़रत उस्मान की वालिदा जो सैयदा आमिना खातून की सहेली है वो फरमाती है कि मैं सैयदा आमिना खातून के पास रात देर तक बैठी। बाद में जब मैं अपने घर जाने लगी तो सैयदा आमिना खातून के आंगन में जब मैं आई तो मैंने देखा आसमान के सारे सितारे नीचे की तरफ उतर आए हैं और सब सितारे जो आसमानों पर फैले रहते हैं वो सितारे करीब करीब होकर सैयदा आमिना के आंगन में उतर पड़े हैं। मुझे गुमान होने लगा कि अगर मैं हाथ बढ़ा दूँ तो सितारे को पकड़ सकती थी, इतने करीब आए। उलमाए कराम फरमाते हैं कि विलादत मुस्तफ़ा की रात को आसमान के तारे आखिर आमिना के आंगन में क्यों उतर पड़े थे। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के खुशी को इसका इजहार करने के लिए सैयदा आमिना खातून के घर को अल्लाह ने सितारों से जगमगा दिया था। गोया
अल्लाह ने सितारों के जरिए सैयदा आमिना खातून के घर पे चराहा फरमाया, तो जिस तरह अल्लाह ताला ने विलादत मुस्तफ़ा की शब में आमिना खातून के घर पे सितारों से चराहा फरमाया, तो वो उसने अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक किया। तो जो आशिकाने रसूल हैं, गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, वो अल्लाह की उस सुन्नत पर अमल करते हुए अपने ताकत के मुताबिक अपने घरों को लाइटों से सजाते हैं। लाइटें गली मोहल्ले में, मस्जिदों पर, मदरसों पर, खानकाहों पर, अपने मकानों में लगा कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी का इजहार करते हैं। तो जो उलमा का कौल है कि आमिना खातून के मकान पर सितारे उतार के अल्लाह ने चराहा फरमाया, मगर बाज उस शाख आशिकाने मुस्तफ़ा फरमाते हैं के लाइट, चराग़ा, रोशनी की ज़रूरत तारों के ज़रिए क्यों ना हो, उस वक्त पड़ती है जब अंधेरा हो। आमिना के घर में तो आफ्ताबे रिसालत चल वगैरह होने वाला था, माहे नबूवत की जलवगरी थी, तो फिर वहां सितारों के कुमकुमों की जरूरत क्या। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो नजरिया है वो पेश करते हैं कि सितारे आमिना के घर को चमकाने आए थे या कुछ और भी मकसद था। तो आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैमा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैमा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो तारे क्यों आए थे? आमिना के घर को चमकाने नहीं आए थे, बल्कि सरकार की विलादत की खुशी में अल्लाह ताला कुछ बांट रहा था, और जो बांटा चूंकि विलादत उसके हबीब की है, हमारे यहाँ बेटे पैदा होते हैं क्या बांटते हो, लड्डू पेड़ा मिठाइयां बांटते हो, अल्लाह के हबीब की विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूर तकसीम फरमाया, और वो नूर जब बट रहा था तो आसमान के सितारे नीचे उतरकर नूरे मुस्तफा का सदका नूर की शक्ल में ले जा रहे थे। आला हजरत दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा, उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद और सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद और सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। और आला हज़रत का ख्याल देखें कितना बुलंद है, फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोवन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह ताला
चांद को, सूरज को, सितारों को नूर की शक्ल में अल्लाह ने तकसीम फरमाया, क्योंकि हुजूर को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। और किसके लिए रहमत? सारी कायनात के लिए, आलमीन के लिए रहमत। तो चांद, सूरज, सितारों को अल्लाह ताला ने नूर की खैरात बांटी। रिवायतों में आया है कि जिस साल हमारे आका की विलादत हुई, उस साल पूरे जजीरतुल अरब में जितनी औरतें उम्मीद से थी, अल्लाह ने किसी को भी बेटी नहीं दी, सबको बेटे ही अता फरमाए। सबको अल्लाह ने बेटे ही अता फरमाए। यहां काबिले गौर बात है कि बेटे अल्लाह की रहमत है तो बेटी नहीं है जी? बेटी भी तो अल्लाह की रहमत है। तो पूरे साल में अल्लाह ने हर माँ बाप को, जो माँ उम्मीद से थी, उसे बेटा ही क्यों दिया? बेटी भी तो रहमत है। मगर ये उस दौर की बात है कि उनके घरों में जब बेटियां पैदा होती थी, वो जिंदा ही दफन कर दिया करते थे, बेटियों को मार डालते। तो अल्लाह ताला ने गोया इसे गवारा न किया कि मेरे महबूब की चलबगरी हो और कोई बेटी कत्ल कर दी जाए, किसी बेटी को जिंदा दरगोर किया जाए। इसलिए सबको बेटे अता फरमाता हूं ताकि बेटियों की जान भी बच जाए और माँ बाप भी खुशियां मनाते रहे। सैयदा आमिना खातून फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक से पहले मुझसे नूर खारिज हुआ, ऐसा नूर जिससे पूरा आलम मुनव्वर हो गया, रोशनी फैल गई। ऐसी रोशनी फैली कि आप फरमाती है कि बसरा में, शहरे बसरा में बाजार से जो ऊंट गुजर रहे थे, अपने कमरे में लेटे लेटे मैंने उनकी गर्दन को देखा, इतना नूर। फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के अभी कुछ लम्हे बाकी थे तो मक्का की कोई औरत उस वक्त उनके पास नहीं थी। आप फरमाती हैं कि मुझे थोड़ा खौफ सा लगा कि अगर ख्वातीन में से कुछ औरतें हमारे पास होती तो बेहतर होता, हिम्मत रहती, मदद करती। क्योंकि जब भी हमारी बेटी बहुओं के यहाँ औलाद पैदा होती है तो सास करीब होती है, माँ होती है, ननन होती है, कोई ना कोई औरतें होती हैं ताकि उस मौके पर खातून की मदद की जाए। आप फरमाती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, कास्ट कबीले कुरैश की कुछ औरतें मेरे पास होती तो मेरी ढाड़स बंधी रहती, हिम्मत होती। फरमाती अचानक मैंने कुरैशी औरतों की तरह ऊंचे कद की औरतों को अपने कमरे में देखा, मगर मैं उन्हें पहचानती न थी। तो मैंने उन ख्वातीन से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और क्यों आई हो? वो औरतें कहने लगी, आमिना, तुझे खौफ सा महसूस हो रहा है, तन्हाई महसूस हो रही है, तो हम तुम्हारी मदद और हिम्मत बढ़ाने के लिए आए। तो तुम कौन हो? तो एक खातून ने कहा कि मैं तुम्हारे जद्दे करीम जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हव्वा हूं। दूसरी ने कहा मैं जनाब इब्राहिम की बीवी हजरत सारा हूं। तीसरी ने कहा कि मैं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब मरियम हूं। चौथी ने कहा कि मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं और अल्लाह ताला ने
तुम्हारी मदद के लिए हमें यहाँ भेजा है, तुम्हारी ढारस बंधाने के लिए अल्लाह ने भेजा है। और हमारे साथ दूसरी जो खवातीन है ये दुनिया की औरतें नहीं है, अल्लाह ने जन्नत की हूरों को भेज दिया है। जन्नत की हूरें आ गई थी। बहरहाल फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई तो जैसे ही सरकार की विलादत हुई, सैयद आमिना फरमाती है कि यक बयक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाह से गायब हो गए। मैं परेशान थी कि बच्चा कहाँ चला गया। मुझे मेरे कानों में आवाज आई कि सारी दुनिया के ताजदार को उठाओ और ले जाकर पूरी दुनिया की सैर करा दो। मेरी नजरों से गायब हो गए। कुछ देर के बाद मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाया गया और फिर किसी कहने वाले ने कहा कि अल्लाह ताला ने नबियों के ताजदार को अपने सारे खजानों की कुंजी आता फरमा दी है, खजानों की चाबियां अल्लाह ने इनको आता फरमा दी है। सैयदा आमिना फरमाती है कि अब मैं देखना चाहती थी कि मेरे बेटा किस हाल में है। फरमाती है कि जब मैंने उठ के देखा तो अपने बेटे को मैंने पाया सजदे की हालत में। अल्लाह की किबरिया ही बयान कर रहे हैं और मध्यम आवाज में फरमा रहे हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। मेरे भाइयों जरा सोचो, हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो विलादत होते ही आपने पहले रब को सजदा किया और फिर उसकी किबरियाई बयान की और याद किया तो हम जैसे गुनहगारों को याद किया, हम जैसे सियाहकारों को याद किया कि मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो हमें कभी ना भूला हो भला हम उनकी याद नहीं मनाएंगे? मनाओगे कि नहीं मनाओगे? खुशी का इजहार करके मनाएंगे, लाइटें लगा के मनाएंगे, झंडे लहरा के मनाएंगे, शिरनी और नियाज बांट के मनाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मनाएंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस खुशी के बदले में अल्लाह के इनामात से मालामाल हो जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले जितने नबी दुनिया में आए, जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक, तकरीबन तमाम अंबिया के जमाने में उन पर ईमान लाने वाले, उनका कलमा पढ़ने वाले कहीं भी इबादत नहीं कर सकते थे। इबादत खाने, जैसे आज हम आबादी हो गई तो मस्जिद बना दो, मुसलमान ज्यादा है तो दो प्लॉट ले लो मस्जिद के लिए, होता है ना ऐसा? उस जमाने में ऐसा नहीं था। आप सफर में हैं, इबादत का वक्त हो गया, वजू बनाओ नमाज पढ़ लो। खेत में है, जंगल में है, वक्त हो गया है वजू करें नमाज पढ़ ले। मार्केट में है, नमाज का वक्त हो गया अदा कर सकते हैं आप। घर में है अदा कर सकते हैं। लेकिन उनके जमाने में ऐसा नहीं था। नबी निशान लगा देते, जिस जमाने के जो पैगंबर होते निशान लगा देते और फरमाते अपनी उम्मत को कि जब भी इबादत करनी है इसी जगह पर आके इबादत करनी पड़ेगी। सफर में है इबादतों को शुमार करें और यहीं आकर अदा करें। घर में है इजाजत नहीं,
यहाँ आओगे तो इबादत होगी, वरना वो इबादत काबिले कबूल नहीं जो इस जगह के अलावा अदा की जाए। मगर जब हमारे सरकार दुनिया में आए और सजदा किया तो रब ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, अब मैंने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है। पूरी रूए जमीन मस्जिद बना दी गई इसलिए कि अब इस जमीन को मेरे मोहम्मद का माथा लग चुका है, मेरे मुस्तफा ने सजदा किया, अब पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया गया है। अब हुक्म यह आया कि जहां भी जगह मिले खरीदो, अपनी बना लो, वक्फ कर दो, मस्जिद बना दो, इबादत कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, जंगल खेत में हो, नमाज का वक्त हो जाए अदा करो, क्योंकि इस जमीन पर पेशानी मेरे आका की लग चुकी है। तो पेशानी इतनी बाबरकत और इतनी पाकीजा कि उस पेशानी के लगने की वजह से अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है। दूसरी बात ये कि सरकार ने पैदा होते ही पहला काम क्या किया जी? सजदा किया, और सजदा अल्लाह की इबादत है ना। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम पर फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि गफलत शेख व शाब पर हंसते हैं तिफल शेर खार, गफलत शेख व शाब पर हंसते हैं तिफल शेर खार, करने को गुदगुदी अबस आने लगी बहाई क्यों। मुश्किल शेर है ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि शेर आला हजरत का है। आला हजरत के सारे अशआर अगर समझने लग जाएं तो फिर आप भी अल्लामा हो जाए, है कि नहीं। आला हजरत की शायरी को जब बंदा समझने लगता है तो हजरत बनता है, खाली शायरी को समझे तो हजरत बनते हैं, और जिसने लिखा है वो आला हजरत है। वो फरमाते हैं हुजूर बिल्कुल बचपन है ना, हुजूर का बचपन है, अभी विलादत हुई और क्या किया? सजदा किया। हमारे घरों में बच्चे पैदा होते ढाई तीन साढ़े तीन महीने के जो बच्चे होते हैं ना, तो बाज़ औकात झूले में झूलते झूलते मुस्कुराते हैं, देखा है कभी आपने जी? हल्की हल्की मुस्कुराहट उनके चेहरों पर खेलती है। तो बड़ी बूढ़ियाँ जो होती हैं हमारे खानदान की, वो क्या कहती हैं कि ये जो इतना छोटा बच्चा हंसता है ना, इसकी वजह क्या है? तो फरमाया, कहती हैं औरतें कि परियां गुदगुदाती हैं, परियां आके बच्चों को खेल लगाती हैं, गुदगुदी करती हैं, तो बच्चा हंसने लगता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि ना, ये छोटा सा बच्चा, इसको परियां गुदगुदाती नहीं है, खेल नहीं लगाती है, जिसकी वजह से ये बच्चा हंसता है। अब आला हजरत बच्चे के हंसने और मुस्कुराने की वजह बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि गफलत शेखो शाब पर, गफलत तो समझते हैं आप जी, शेख कहते हैं बूढ़े को और शाब कहते हैं जवान को। आला हज़रत कहते हैं वो बच्चा जो हंस रहा है मुस्कुरा रहा है तो बूढ़ों की और जवानों की गफलतों पे हंसता है। क्यों हंसता है? क्या दादा इतना बुढ़ा हो गया अभी नमाज नहीं पढ़ता, अब्बा जवान होकर दाढ़ी नहीं रखता,
जवान भी एक ही तरह के, बूढ़े भी एक ही तरह के, ना किसी को दीन की परवाह, ना सजदों की परवाह, ना इबादत का ख्याल, हम सब गाफिल हैं, तो बच्चा बूढ़ों और जवानों की गफलतों पर हंसता है। परिया गुदगुदाने क्यों आएगी, परिया उसे हंसाने क्यों आएगी। अब आलादत का शेर सुने आप, फरमाते हैं कि गफलते शेखो शाब पर, हंसते हैं तिफले शीर खार, दूध पीते बच्चे जवानों और बूढ़ों की गफलतों पर हंसते हैं, करने को गुदगुदी अबस आने लगी बहाई क्यों। फरमाया वो बच्चे को अपने आका याद आते हैं कि मेरे आका ने तो पैदा होते ही खुदा की इबादत की, और मेरा दादा बूढ़ा हो गया नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बाप जवान हो गया इबादत नहीं करता, चाचा जवान है इबादत नहीं करता, मेरी अम्मी नमाज नहीं पढ़ती, मेरी फूफियां नमाज नहीं पढ़ती, इसलिए हमारी गफलतों पर बच्चे मुस्कुराते हैं। तो हम जब हुजूर की उम्मती हैं तो हमें चाहिए कि नहीं नमाज पढ़ें जी, पढ़ रहे होंगे आप नमाज ना, तीन दिन पहले हमने कहा था नमाज पढ़ेंगे जी, पढ़े हो कि नहीं पढ़े, माशाल्लाह। अब जिन थोड़ी बात सुन ले आप, नमाज जो है ना, नमाज नौजवान बच्चे हमारे बूढ़े हजरात भी, कि नमाज से उखरवी जो फवाइद हैं वो तो अपनी जगह है आखरत में, कब्र में जो अल्लाह इनायत फरमाएगा वो तो अलग है, मगर तिब्बी और साइंसी नुक्ते नज़र से भी अगर आप देखें तो नमाज में बहुत फवाइद हैं, साइंसी एतबार से जिस्मानी आपको बड़े फायदे हैं इससे। नमाज पढ़ें आप और पढ़ करके देखें, पाबंदी के साथ पढ़ें आप। मौजूदा ज़माना जो है अचानक मौतों का ज़माना है, अचानक मौतें ज़्यादा हो रही हैं। पुराने वक्तों में लोग किस्तों में मरते थे, महीनों बिस्तर पर रहते, उसकी बीमारी की तवालत को देखकर लोगों को अंदाज़ा होता था कि आप जाएंगे, लेकिन अब चाय पीते पीते मर जाता है आदमी, खाना खाते खाते मर जाते हैं, होता है ना ऐसा। अभी आज ईशा की नमाज में अल्लाह हमको आपको पक्का नमाजी बना दे। हमारी जमात के एक इमाम साहब थे, ईशा की नमाज में हालत नमाज में मौत आ गई, आज आज ईशा में, बिहार के हैं वो, उनकी लाश को बिहार ले जाएंगे, ईशा की नमाज में मौत आ, जवान आदमी 35-40 साल के लगभग उम्र रही होगी उनकी, अल्लाह करे कि हमें भी नमाज की हालत में मौत आ जाए। कितनी अच्छी मौत है, हाँ हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली है, मोबाइलों पर रहते रात रात भर भर जवान, सिनेमा देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नंगी पिक्चरें देख रहे हैं, खुदा ना खास था वो नंगी पिक्चर देखते देखते अगर मौत आ गई तो, सिनेमा देखते देखते मौत आ जाए तो, इसलिए होश करें, नमाजों की पाबंदी करें। तो ये अचानक मौत जो अचानक हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, कैसे मराओ जी, अटैक ना, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट बंद हो जाता है, खून की रवानी रुक जाती है, तो आप जानते हैं कि अचानक कल्ब बंद कैसे होता है, दिल कैसे अटक जाता है और बंद कैसे होता है। तो यकीन जाने दिल जो है ना, दिल ये खून का पंपिंग स्टेशन है, क्या है, ये खून को पंप करता है, खून को पंप करता है, और इसके अंदर बड़ी बारीक बारीक नसें हैं, और सारी रगों से खून दौड़ा, जब दौड़ेगा तब आदमी फिट रहेगा। और आप जानते हैं, आप पानी की मोटर ले लें, मशीन अभी नलों में लगती है,
उसको लगा कर चालू कर दें आप। अगर उसे नीचे उतारना हो ना, पाइप नीचे कर दें तो फोर्स ज़्यादा होगा, होगा ना भाई। और तीसरी मंजिल पर चढ़ाना हो तो फोर्स कम हो जाएगा। ये दिल जो है यहाँ है, ये खून को पंप करता है। नीचे वाले हिस्से में तो खून तेज़ी से दौड़ता है, मगर ऊपर चढ़ना हो तो, और इंसान के जिस्म के जो अहम पार्ट्स हैं वो यहाँ से ऊपर ही है। नीचे क्या है? ये तो खाली टंकी है, पैर है, दिमाग इसी में है, आँख है, कान है, जबान है, ये सारी जो अहम चीजें हैं ऊपर है। फरमाए ये खून का पंप जो है, जब ये खून को पंप करता है तो निचले हिस्से में तो चूंकि ढलान है तो तेजी से खून चला जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ने में इसे जरा दिक्कत होती है। और जब दिक्कत होती है तो धीरे धीरे जो दिमाग के अंदर आपने भेजे खाए कि नहीं भेजे जी, भेजों को देखा होगा आपने, बैल के भैंस के भेजे आते हैं, बकरे का भेजा आता है, तो कितनी बारीक बारीक नसें होती हैं, बालों की तरह नजर आती है। अब ऊपर जाकर उन रगों में खून जाना चाहिए, लेकिन वह बारीक नसों में धीरे धीरे करके जब खून कम पहुंचता है तो आंखें कमजोर हो जाती है, कान कमजोर हो जाते हैं, आदमी के आजा ढीले पड़ जाते हैं। साइंसी एतबार से कहा गया कि जब आप कयाम में रहते हो नमाज में, बिल्कुल सुकून और इत्मीनान रहता है, खामोश खड़े हैं आप, फिर धीरे से आप रुकों में जाएंगे, जब रुकों में जाएंगे ना तो खून की रफ्तार थोड़ी तेज हो जाएगी इधर, फिर आप सर उठाएंगे तो वो खून की रफ्तार, जाहिर बात है ऊंच नीच करें आप तो वो हलचल मच जाती है, और जब हलचल मचती है फिर उसके बाद आप सजदे में जाए, जब सजदे में जाएंगे तो खून का दौरानिया तेज हो जाता है, और बारीक से बारीक रगे अगर चिपक रही हो तो खून की रफ्तार से खुल जाती है, और बारीक बारीक रगों से वो खून दौड़ने लग जाता है, फिर आप उठते हैं फिर सजदे में जाते हैं तो आपकी आंखों के अंदर भी रगे हैं। फरमाया जब सजदा करता है आदमी तो हमारे ऊपर वाले हिस्से में जितनी बारीक बारीक रगे हैं अगर वो बंद होने के करीब भी आ गई हो तो खून की रफ्तार से वो नसें खुल जाती हैं, आपकी बिनाई तेज हो जाएगी, आपकी कुव्वत समाअत तेज हो जाएगी, और दिमाग का कैचिंग पावर बढ़ जाएगा, कुव्वत हाफजा जो है ना ये बढ़ जाएगा। और सजदा आप लंबा करेंगे तो हमारी स्किन के ऊपर भी, इस चेहरे के अंदर भी नसें हैं, लंबा सजदा जब आप करेंगे ना, कभी करके देखे आधा घंटा सजदे में रह जाओ, एक आधा घंटा, तो ऐसा लगेगा कि आपके चेहरे पर खून उतर आया है। मुसलसल जो बंदा नमाज पढ़ता रहेगा ना उसके चेहरे पर हमेशा रौनक रहती है, क्योंकि खून इस तरफ ज्यादा सप्लाई होता है। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आते ही पहला काम जो किया है वो खुदा की इबादत सजदे की सूरत में किया, तो हमें भी चाहिए कि हम हुजूर के उम्मती है तो हम पंच वक्ता नमाज पाबंदी के साथ अदा करोगे इंशाअल्लाह। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। फरमाते हैं कि हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, इनको पता चला कि मेरे भाई अब्दुल्ला के यहां बेटा पैदा हुआ है, और वहां कोई खातून तो थी नहीं, तो उमूमन बच्चे जब पैदा होते हैं तो नजासत में लपटे हुए होते हैं, बदन पे नजासत होती है, सबसे पहले औरतें उसे उठाकर गुस्ल दिलवाती है, नहलाती है, पाक साफ करती है। हजरत सफिया फरमाती है कि मैं अपने घर से पानी का मशकीजा लेकर दौड़ती जा रही थी कि मेरी भाभी के यहाँ कोई नहीं है, नौ मौलूद बच्चे को मैं गुसल देके पाक करूंगी। आप फरमाती है कि मैं दौड़ी दौड़ी जा रही थी, अचानक गैब से आवाज आई,
ओ सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, होश की दवा कर। किसे पाक करने जा रही है जो सारी दुनिया को पाक करने आया है? तो उसे क्या पाक करेगी? वो और बच्चे हैं जिसे दुनिया के पानी से नहला कर पाक करने की जरूरत है। वो अल्लाह का हबीब है जो खुद पाक है और पाक करने आया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल साफ सुथरी हालत में और जन्नती कपड़े में लिपटे हुए, जब हजरत का कपड़ा हटाकर देखा गया तो फरमाते हैं कि मख्तून थे, खतना शुदा थे, या नाफ के ऊपर जो पाइप लगी रहती है झिल्ली वाली, नाल जिसको कहेंगे, नाफ बरीदा थे, नाफ निकालने काटने की जरूरत नहीं पड़ी। और खतना शुदा में आका दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत दुनिया के सारे बच्चों से हटकर हुई है। दुनिया में हर बच्चा आता है तो रोता बिलखता आता है, घर वालों को हंसाता हुआ आता है। माँ को तकलीफ होती है, वो खुद हंस रोता है, और खानदान वाले हंसते हैं, खुशी मनाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो खुद भी मुस्कुराते आए और दुनिया को मुस्कुराता बना दिया है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हमारे आका दुनिया में आए तो खुदा को याद करते हुए और उम्मतियों को याद करते हुए तशरीफ लाए। हर बच्चा रोता हुआ बिलखता हुआ तड़पता हुआ आता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासआदत है, दुनिया में सबसे निराली विलादत हुई है, इसलिए हम उस दिन खुशी जरूर मनाएंगे। और अल्लाह की नेमतों में हम जितनी नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा पहनते हैं, हवा चल रही है, सांस लेते हो, जमीन बनाई है, इस पर चलते हैं, ये सारी नेमतें अल्लाह की एक तरफ और सिर्फ ज़ाते पाके मुस्तफ़ा की शक्ल में अल्लाह ने जो अजीम नेमत हमको आपको अता फरमाया, उससे ज्यादा कीमती अल्लाह की कोई नेमत आई ही नहीं है। हुजूर से बढ़कर कोई नेमत दुनिया में अल्लाह ने अता ही नहीं फरमाई। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की अगर कोई है तो हमारे आका की ज़ात है, और वो ज़ात अल्लाह ने हमको अता फरमाई। तो जाहिर बात है हम इस खुशी मनाएंगे ना इंशाअल्लाह। माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत ताखिर से आज आया किसी वजह से, इसलिए आज हम बारिश भी हो रही थी तो अपनी तकरीर को यहीं रोकते हैं। इंशाअल्लाह कल अल्लाह ने चाहा, उसकी मर्ज़ी है। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मीलाद मुस्तफ़ा जी आपके घरों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन आज ही मेरे घर में बातें हो रही थी कि भाई जल्दी जल्दी करो, दूसरे काम से फारिग हो जाओ, घर को धोना है, साफ़ सफाई करनी है, आका का मीलाद आ रहा है। आज ही मैंने सुना, बच्चों को कह रही थी हमारे घर में से कि जल्दी जल्दी काम निपटा लो, घर की सफाई करनी है, धोना है, सरकार की विलादत का दिन आ रहा है, मिलाद मुस्तफ़ा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब के बाद से हमने देखा कि अल्लाह ने भी ज़मीन को धुलवाने का काम शुरू कर दिया, मेरे महबूब का मिलाद आ रहा है, और बारिश भी कतरे भी मचल रहे होंगे। हाँ, ज़मीन वाले हुजूर का मिलाद ज़मीन पर मना रहे हैं, हम बरस बरस के मुस्तफ़ा का मीलाद मनाएंगे, जमीन को धोएंगे, पाक साफ करेंगे, ताकि जश्न मुस्तफ़ा बेहतर तरीके से मनाया जा सके। अल्लाह ताला मुझे आपको मीलाद मुस्तफ़ा की बरकतें नसीब फरमाए।